बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी शोरबे वाला चिकन, और इसको कैसे बनाया है ये मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि चिकन को लेना है और उसमें आधे कप ऑयल में डाल देना है, और इसको आपने फ्राई करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि डीप फ्रीज हो गया है हमारा चिकन। इसको ढक के मैं पका रही हूँ, साथ ही लहसुन और अदरक डाल दिया। अच्छा जी, अब मैंने ऊपर से ना चिलीज, ग्रीन चिलीज रख दी है, और टमाटर जो है उसके टू टू पीसेस करके तो वो मैं इस तरीके से रख दूँगी। तकरीबन 4 to 5 टमाटर डाल दूँगी मैं। इस तरीके से टमाटर आपने रखने हैं और उसको ढक के फिर आपने पकाना है। तो अभी मैंने इसको ढक दिया है और इसको मैं तकरीबन मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से पकाऊंगी। ये आप देख सकते हैं कि अंदर जो है ना वो टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं, और उसके जो छिलके हैं ना वो अलग हो जाएंगे। फिर हम आराम आराम से एक एक करके टमाटरों का जो छिलका है वो फिर हम हटा लेंगे। ये देखिए, हम देख सकते हैं कि सॉफ्ट हो गया है। थोड़ा सा हम और पकाएंगे, या आप थोड़ा सा दबा दबा के ना टमाटर को, तो उसका छिलका जो है ना वो आराम से अलग हो जाता है। इस तरीके से आपने सारे टमाटरों के छिलके जो है ना वो अलग कर लेना है। अभी मैंने टमाटरों के छिलके अलग कर दिए हैं, और इसको टमाटरों को आपने इस तरीके से तोड़ना है, और इसको आपने अच्छे तरीके से अब भूनना है। चिकन को, टमाटर को, ग्रीन चिलीज को आपस में अच्छा सा पकाना है। तो अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, और 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर ली है, और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें डाला है हल्दी, और नमक डाला है। और अब इसमें तकरीबन मैंने आधा कप जो है ना टमाटरों, सॉरी दही को अच्छे तरीके से पेंट के इसमें डाल दिया है। और अब इसको टमाटरों के साथ अच्छा सा पकाना है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन बहुत ही मज़े का बन चुका है। अब मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है, और अगर आपको कम शोरबा चाहिए तो इतना आपके लिए काफ़ी है। लेकिन अगर आप सही अच्छा सा शोरबे वाला सालन बनाना चाहते हो, देन मैंने क्या किया है कि इसमें तकरीबन 2.5 गिलास के करीब जो है ना वो पानी डाल दिया है। और अब जो है ना इसको अच्छा सा मिक्स देना है, और मिक्स करने के बाद जो है ना वो आपने इसको बॉईल होने के लिए रखना है 4 to 5 मिनट्स के लिए। ये देखिए, ये बॉईल हो रहा है, सारा टेस्ट जो है ना वो पानी में भी चला जाएगा, शोरबा बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो 4 मिनट्स तक मैं इसको बॉईल किया है, और ये आप देख सकते हैं इसकी शक्ल। हमारा चिकन बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।